सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मेरे सुल्तान, जमीनें सबाहुद्दीन आफंदी ने खरीदी थी। उस जमीन की मालिक एक खातून है जो कि बेवा है। हमने उन्हें महल से बाहर जाते हुए देखा था। किसके साथ? आपके भांजे मुराद के साथ। आसन कहाँ है? आप दोनों यहाँ से साथ गए थे। शहजादे, ये आपके शायाने शान नहीं है। हमने एक सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। आप अपना वादा पूरा करें, तफसीलात ना बताएं, लेकिन हमारा हुक्म है वापस लेकर आए महल में आसन को। हम लोग पहले से ज्यादा मजबूत हैं। हम उस साहब से बात करेंगे, कोई अपनी जमीनें ना बेचे। अगर आप नहीं चलेंगी तो मुझे मजबूरन आपको जबरदस्ती ले जाना होगा। मेरे सुल्तान नाम मैं आपसे छुपा सकता हूं और ना झूठ बोल सकता हूं। वो मुमकिना नाम इस कागज पर तहरीर है सुल्ताने मौसम। मैं धमकी देने नहीं, ऐलान करने आया हूं। यहूदियों से एक मुट्ठी बराबर जमीन भी नहीं ले सकता आपका सुल्तान। आप अपना शरीक हयात मुंतखब कर सकती हैं। महल में कोई पाबंदी नहीं आप पर, आजाद हैं आप। आपकी मर्जी के बगैर कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। उससे बताओ कि जर्मन कंपनी ने जमीन खरीदी है और अब सब कुछ हर तरह से हमारे काबू में है, फिक्र ना करें। अगर आपको लगता है कि शहजादे उनसे मोहब्बत करते हैं तो उन्हें आसन का दिल खुद जीत लेने दीजिए। अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे वो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ग्रेफंड अफंदी ने यह खत हमें सालों पहले लिखा था। वो मगरिब की साइंस, उनकी तरक्की, इस्लाम और मशरिक में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। आज देखते हैं कि उनकी दिलचस्पी बरकरार है या नहीं। क्या वो आ चुके हैं? तशरीफ लाइए ग्रेफिन साहब। सुल्तान मौसम, आइए बैठिए। जी कहिए। मेरे सुल्तान, हमने आपकी कंपनी के लिए मुंतजिम का इंतखाब कर लिया है। फतेह अफंदी नाम है उनका। वो उस्मानिया सल्तनत में कई कंपनियों से वाबस्ता रहे हैं और खासे जिम्मेदार भी हैं। अपने काम के माहिर हैं, ये हैं उनकी मालूमात। तस्दीक की जाएगी इसकी। लीजिए। कितने साल हो गए? फ्रांस में लिखा करते थे। तसव्वुफ में आपकी दिलचस्पी अभी तक बरकरार है? वक्त की कमी और काम की ज्यादती ने इस तरफ ध्यान नहीं देने दिया। मेरे सुल्तान,
हमने सुना था कि शतरंज के शौकीन हैं आप। किसी दिन अगर आप चाहें तो आपका हरीफ बन सकता हूं मैं। ऐसा खेल जिसमें हाथी गिर जाते हैं, घोड़े मरते हैं और वजीर जाया हो जाते हैं, और बादशाह को इस खेल में जीतने और जिंदा रहने की इजाजत होती है। अगर आप चाहें तो एक नई शतरंज खेलते हैं, पासे की शतरंज। आप नीचे से शुरू करते हैं, पस्ती से, गहराई से, फिर आप बुलंदी की तरफ जाते हैं, आपकी हकीकी कामयाबी। ये खेल कैसे खेला जाता है? ये खेल नहीं, रास्ता है। आप खुद ही अपने हरीफ होते हैं। कबूतर ऊपर ले जाते हैं, सांप नीचे खींचते हैं, मसलन पासा घुमाते हैं, तीन आ जाता है, आप गिर जाते हैं। हर बार हम आपसे एक सवाल करेंगे, आप बताते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बहुत ही दिलचस्प, शानदार। अगर आपको ये खेल पसंद आया है तो फिर शुरू करते हैं। लीजिए, शुरू हम आपसे करेंगे। पहला सवाल आप जानते हैं, जो नक्शा हमने आपको दिया था उन जमीनों का ताल्लुक किससे है, बताइए। बिल्कुल, यहूदियों से ताल्लुक है उनका। चलिए, आप शुरुआत सच्चाई से करेंगे। अब सवाल करने की बारी आपकी है। सलीम पाशा, वो भी तो जमीनें खरीद सकते हैं। अगर ये एहसान नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि वो जमीनें यहूदियों की हैं, इसलिए हमें लगता है कि आपके लिए खरीदना आसान होगा। तजर्बा। मुझे लगता है ये मेरे लिए कोई तंबी है, ये इशारा कि आपका तजुर्बा मुझसे कितना ज्यादा है। आप हमें सच सच बताएंगे और हम आपको अपना तजुर्बा बताएंगे। वो जमीनें खरीदें। ऐसा ही होगा। मेरे सुल्तान, जर्मन कंपनी को यहूदियों की जमीनें मिल जाएंगी। आप हमें खरीदने का कह देते, वो जमीनें जर्मन कंपनी की मिल्कियत में चली जाएंगी तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, हाथ से निकल जाएंगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है। अब्दुल हमीद, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो, लेकिन तुम यहूदियों से वो जमीन लेकर मुझे दे रहे हो। बाजी, कहवा ठंडा हो जाएगा, कहवा पी लें। उठिए खदीजा, उठिए, चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए। क्यों हमारी बात का यकीन नहीं आया आपको? क्या मतलब? तो क्या हुआ खदीजा? मोहब्बत में आप बिल्कुल अंधी हो गई हैं। आंखें खोलिए, देखिए, कोई राज रखना सीने पर बोझ उठाने जैसा है। उससे जल्द से जल्द छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। उनकी तरफ देखिए जरा और हमें बताइए
कमालुद्दीन कुछ करेंगे ऐसा लगता है आपको? हमने उरूसी लिबास के इतने रिसाले देखे, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शुक्र है खदीजा सुल्तान ने हमारी मदद की। लेकिन कैसे? उन्होंने कहा हमारे लिए लिबास वो बनाएंगी। अच्छी बात है ना? जी, अगर आप खुश हैं तो। पाशा, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई परेशानी है क्या? शहजादी, मैं यानी आप हमें कभी भी बता सकते हैं पाशा। बहुत जल्द हम एक दूसरे के जिंदगी के साथी बनने जा रहे हैं। जी शहजादी, इजाजत दीजिए आप। सुल्तान ने कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं मुझे। हाँ क्यों नहीं। आप दोनों बातें करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। नाइमे, आप इतनी परेशान क्यों हैं? इतनी कोशिशों के बावजूद कमालुद्दीन खोए से ही रहते हैं। हमारी शादी के मुतालिक कोई भी बात नहीं करते। आप भी ना नाइमे, मर्दों को शादी मलबूसात और तैयारियों में उतनी दिलचस्पी नहीं होती है जितनी खवातीन को होती है, खास तौर पे जब वो एक सच्चे उस्मानी पाशा हो। वो हमेशा अपने फरीजे और रियासत को मुकद्दम रखते हैं। इस हकीकत को आपको कबूल करना पड़ेगा शहजादी। पेचीदा होता जा रहा है। उस ग्रेफेंड को इस्लाम में भी दिलचस्पी है। अब्दुल हमीद का उस आदमी को पसंद करने की यही एक वजह है। तुमने फतेह आफंदी के दागदार माजी को मिटा तो दिया है ना मार्को? जी बिल्कुल जनाब। अब्दुल हमीद उसकी मंजूरी देगा तो कानून हमारी तरफ हो जाएगा। हमें ये काम इतनी बारीक बीनी से करना है कि अब्दुल हमीद उसे फौरन कबूल कर ले। वो बस एक बार कंपनी में जगह बना ले, फिर तमाम बदनवानियां उसके सर होंगी। हम पर कोई शक नहीं कर सकेगा और हम आसानी से बच जाएंगे मार्को। मैं समझा नहीं कुछ। हमारा आदमी जो हमारी ही कंपनी संभालेगा, मतलब हमारे लिए काम करेगा, और अब्दुल हमीद की कंपनी का क्या होगा? असल मसला वो नहीं है क्या? सलीम पाशा को रास्ते से हटाए बगैर ये मुमकिन नहीं। पाए तख्त में मेरा पैगाम भेज दो, लेकिन तुम इस मामले से दूर रहना। सलीम पाशा को रास्ते से हटाने की हिदायत कर दो। शरीहा सुल्तान, सलीम पाशा, हम आपसे कह चुके हैं कि हम आपको नहीं देखना चाहते। जी हां, मुझे भी यही गुमान था कि उस रात मेरे घर यही कहने आई थी आप। क्या मतलब है आपका?
आप एक जासूस बनकर आई थी तेल वाली जमीनों के मालिकान की मालूमात महमूद पाशा को देना चाहती थी आप, और इस मकसद में कामयाब भी हो गई। मजाक है ये, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? हुस्न इत्तेफाक देखें, आपके बेटे सबाहद्दीन ने उस रात की अगली सुबह वहां जाकर वो जमीन खरीद भी ली। सुल्तान ने तलब किया था मुझे पूछने के लिए कि नक्शे की मौजूदगी में मेरे घर कौन आया था, ये बात जानना चाहते थे वो। फिर क्या जवाब दिया आपने? कुछ नहीं, आपने मुझे खुद से दूर रहने का बिल्कुल दुरुस्त मशवरा दिया था। ख्याल रखिएगा अपना। आफरीन, गद्दारी की मुर्तकिब होकर भी मासूम बने रहने में आपका कोई मुकाबिल नहीं। यानी आप आज भी उस गद्दार महमूद पाशा के जुर्म में बराबर की शरीक हैं। शर्मानी चाहिए आपको। ये अपनी औलाद के मुस्तकबिल की खातिर किया था हमने। हमारी जगह पर आकर देखिए, हम इल्तिजा करते हैं, हम पर रहम कीजिए। खुदारा सुल्तान को इस बारे में कुछ मत बताइए, मत बताइए। फिक्र मत करें, नहीं बताएंगे हम। सच कह रही हैं? जी हाँ। क्योंकि आप खुद जाकर अपनी जुबान से एतराफ करेंगी। बिदार सुल्तान, आप हमसे ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते, ऐसा नहीं करेंगे हम, हमसे नहीं होगा। हम भीख मांग रहे हैं आपसे, हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई है, लेकिन हमारा मकसद बुरा नहीं था। आप चाहे जितने भी आंसू बहा लें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। स्नेहा सुल्तान, आप खुद जाकर अपने भाई को अपनी गद्दारी की दास्तान सुनाएंगी, फिर अगर आप में जरा सी भी शर्म बाकी है तो आप अपनी जिंदगी महल में नहीं अपने शौहर के साथ गुजारेंगी जाकर। हमें कोई फिक्र नहीं अपनी, लेकिन हमारे बेटे पर रहम कीजिए, उन्हें बराए मेहरबानी बख्श दे, उनकी गलती नहीं। आपके लिए हमारे दिल में जर्रा बराबर भी रहम नहीं है। आपको तो बहुत पहले ही अपने अमल के लिए सजा मिल जानी चाहिए थी। वाकई आप निहायत जालिम औरत हैं। पारवोस ने हुक्म दिया है कि आप सब यहूदियों को राजी करें कि अपनी जमीनें जर्मन कंपनी को बेच दें। वो हम मुकद्दस सरजमीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनें नहीं बेच सकते। पारवोस अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और यह गुजारिश नहीं, उनका हुक्म है। पागलपन है, यह कोई मजाक है। हर्सल, हर्सल करीब आए। ये जर्मन कंपनी सुल्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी ताकतों के लिए काम करेगी। आप जाकर यहूदियों को कायल करने की कोशिश करें, बिलाखिर उस्मानी सरजमीन हमारी होगी। कुछ समझ नहीं पाया मैं। आपको बस ये समझना है कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो जाती फायदे के लिए नहीं होता, समझे? जिस काम में पारवोस का फायदा है उसी में मेरा फायदा है। अब जाए और यहूदियों को समझाए जाकर। आ जाएं। सुल्तान मौसम, कहो। सनिया सुल्तान आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। भेज दें। आइए सनिया। इतने परेशान क्यों हैं आप?
सिपाही बाहर चले जाएं। हमें बताइए क्या हुआ है। मेरे सुल्तान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसके लिए हम हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। गलतियों से मुबर्रा सिर्फ अल्लाह की जात है, हर इंसान से गलती होती है। बताइए हमें। हमसे कोई मामूली गलती नहीं हुई और हमने जानते बूझते गलत कदम उठाया है। तफसील से आगाह कीजिए हमें अमशीरा। आप हमारे खानदान के मुतालिक जानते हैं। महमूद अपनी इज्जत दौलत सब कुछ गवा चुके हैं। वो बहुत गुर्बत में है। लुत्फुल्ला कम उम्र है बहुत, हम उनसे कोई तवक्को नहीं रख सकते। हमारी सारी उम्मीदों का मरकज सबाहद्दीन है, लेकिन उनकी आपकी नजर में अहमियत नहीं है। वो अपने वालिद के किए हुए गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। बात यह है कि हमने बस अपने खानदान की किस्मत बदलना चाहिए। साफ साफ बताइए सुनेहा, क्या कहना चाहती हैं आप, जल्दी बताइए। हमने सलीम पाशा को दिए गए तेल के जखायर के नक्शे में से जमीन के मालिकान के नाम हासिल किए थे, लेकिन यकीन कीजिए सलीम पाशा का इसमें कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम धोखे से उनके घर में दाखिल हुए थे। हम सबाहुद्दीन और महमूद पाशा को आपकी नजरों में मोतबर करना चाहते थे। तेल का इदारा हमें नहीं सलीम पाशा को मिल गया है। जर्मन इदारे के मामलात भी अब कोई और संभालेगा। कौन? फतेह अफंदी। जानते हैं आप उसे? बहुत अच्छी तरह। हाँ। सोने का सौदागर, सूदखोर, जालसाज और ऐसी दीगर खसूसियात शामिल कर लो जो हम नहीं जानते, फतेह अफंदी की मुकम्मल शख्सियत सामने आएगी। क्या मामू के इल्म में ये सब कुछ है जो आप कह रहे हैं? तुम अपने बाबा को बहुत कमतर समझते हो, बिल्कुल हकीर। इसका क्या मतलब बाबा? हीरा मिट्टी में मिलने से कोयला नहीं बन जाता। सबसे कीमती खजाने दूर वीरानों में, मतरूक गारों में मिला करते हैं बेटा। ये बात हमेशा याद रखना। अब्दुल हमीद खान उस सूदखोर के साथ क्या करेगा? और फतेह अफंदी छुपकर हर गलत काम करता रहेगा। हाँ, अगर सुल्तान को इसका इल्म नहीं तो जल्द हो जाएगा। इससे पहले कि सुल्तान को फतेह अफंदी के करतूतों के बारे में कहीं और से इत्तला मिले, हमें खुद जाकर अब्दुल हमीद के सामने उस धोखेबाज का राज फाश कर देना चाहिए। आपको महल में नहीं आने देंगे। तो फिर तुम महल की जानिब रवाना हो जाओ। सुल्तान से जाकर कहो कि तुम्हारे वालिद के पास एक इंतहाई अहम राज है उन्हें बताने के लिए। हरगिज नहीं। ये जाहिर करके कि आपसे राब्ते में हूं, मैं सुल्तान के गजब को हरगिज हवा नहीं देना चाहता। सबाहुद्दीन, कौन है? पाया है तख्त का अफसर है आला। बाबा, उन्हें मेरी मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए। मेरे मसाइल तुम्हारे मुकाबले में पहले ही ज्यादा हैं। अब्दुल हमीद ने यकीनन मेरा काम तमाम करने के लिए जल्लाद भेजे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों आए हैं यहाँ? महल में तलब किया गया है आपको, दरवाजा खोले। हाँ तो अब बताओ उस्मान। दो फ्रांसीसी और तीन जर्मन। कितने डाकखाने हैं बरतानिया के पास? दो हैं। इन दुश्मनों से हमारा सामना बर्लिन में भी हुआ था। पहले उन जर्मनों को देख लें। हम वक्त जाया कर रहे हैं उस्मान। ये शर्लॉक होम्स का परिस्तार है, जरूर बरतानवी डाकखाना ही इस्तेमाल करेगा।
हम आंधी में उड़ते हुए पत्ते का पीछा कर रहे हैं। पहले बरतानवी डाकखाने को देख लेते हैं, उसके बाद जर्मन डाकखाने को देख लेंगे। ठीक है, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। चलो चलें। इस बाजार से हमने 13,000 अफराद से उनके तमाम शेयर्स खरीद लिए हैं मेरे सुल्तान। इतने ही थे? जी मेरे सुल्तान। माशाल्लाह, अच्छी खबर सुनाई आपने। आ जाएं। सुल्ताने वाज़म, शहजादा अब्दुल कादिर आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। भेजो उन्हें। आइए फरजंद, कहिए, सुन रहे हैं हम। मेरे सुल्तान, आपसे बात करनी है। जो हुक्म मेरे सुल्तान। मुहाफिज भी बाहर चले जाएं। कहिए शहजादे। आपने वालिदा को हमारे लिए रकम दी है, लेकिन हमें रकम नहीं, इजाजत चाहिए। कैसी इजाजत? यहां से जाने की इजाजत। ये महल, ये दीवारें, कहा जाता है कि हमारी हिफाजत करती हैं, लेकिन ये महल और ये दीवारें असल में रियासत की मुहाफिज हैं। वो दीवार जो हमारे दरमियान खड़ी है, किसकी मुहाफिज है? दीवार हमारे दरमियान नहीं है फरजंद, आपको महसूस होती है, क्योंकि आपका नजरिया गलत है। जिसे आप दीवार समझते हैं वो रियासत है, और हम इसके सुल्तान हैं। हमें एक सुल्तान की तरह पेश आना है। आप एक शहजादे हैं, और शहजादे के भी रियासत के लिए फराइज होते हैं, लेकिन आप अभी ना समझें। आपका दिल साफ है, धोखा खा सकते हैं आसानी से। मानते हैं पहले हम गलत थे, हमने मेहनत की और अपनी गलतियों को सुधारा, खुद को बेहतर बनाकर दिखाया। हम आपसे एक जिम्मेदारी चाहते थे, एक नई इब्तिदा के लिए बाबा जान, लेकिन आपने वो किसी और के सुपुर्द कर दी, और आपने ये भी नहीं सोचा कि हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। हमने तब भी आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इस महल में नहीं रह सकते हम। जल्द ही आपको खुशखबरी देंगे फरजंद, सब्र कीजिए। सब्र हारने वालों के लिए सिर्फ दिलासा होता है। हम हार गए, और अब आप अपना बेटा हार रहे हैं। इजाजत दीजिए। जनाब ग्रेफिंड, ये हमारी कंपनी का नया अमला, और ये है यहाँ के मालिक जनाब ग्रेफिंड। हजरत, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि रियासत और सुल्तान से वफादार रहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज देखें जिससे हमारे सुल्तान के आराम और सुकून में खलल पैदा हो, तो हमें आगाह कीजिए। माजरत चाहती हूँ, दरवाजा खुला रह गया। ठीक है, अब आप सब लोग बाहर जाइए। चलिए। अच्छा कर रहे हैं आप, उस्मानियों को आप जैसे माहिर ताजर की ही तलाश थी। जनाब हर्सल, तशरीफ रखिए। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि मोसल की अराजी खरीद सकते हैं आप। इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूँ मैं?
एक करीबी दोस्त ने दरख्वास्त की है जिसे रद्द नहीं कर सकता मैं। उसने कहा काबिल भरोसा है आप। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मैं उस शख्स को जानना चाहता था जो जमीनें खरीदना चाहता है हमारी। जनाब ग्रेफिंट साहब, कौन है आप? अब्दुल हमीद के लिए क्यों काम कर रहे हैं? एक तजुर्बेकार जर्मन ताजर हूँ मैं। ठीक है, फिर अब्दुल हमीद ही क्यों? वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। अगर हम आपकी दोस्ती ही अच्छे दाम में खरीद लें? ये अनमोल है, लेकिन फिक्र ना करें, हम भी यहूदी हैं। बहुत आला, आपके साथ काम करके खुशी होगी। मैं यहूदी जरूर हूँ जनाब अरसल, लेकिन अब्दुल हमीद के मुखालफिन के साथ काम करने पर आमादा नहीं हूं मैं। हमें तलाशी के लिए इजाजतनामा लेना चाहिए था। कैसा इजाजतनामा? हम जासूस हैं जासूस। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग यहां? अपना बॉक्स ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे बॉक्स का नंबर क्या है? चाबी दिखाओ मुझे। क्या नंबर है? किताब में 17 लिखा था, लेकिन चाबी नहीं है। बाहर निकलो यहाँ से। हम जासूस हैं। किस मुल्क के जासूस हो बताओ मुझे? सल्तनत उस्मानिया के। ये बरतानवी डाकखाना है, मुझे रियासत उस्मानिया की परवाह नहीं। जबान संभाल कर बात करो। ये क्या किया? इसको मार दिया तुमने? मरा नहीं है, बेहोश हुआ है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। चलो जल्दी करो। जर्मन डाकखाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो। शहजादे, हमें आपके वालिद की तलाशी लेनी है। बेटा मैं पाशा हूं। पाशा, तुम चाहो तो सुल्तान के हुजूर जाने से पहले तलाशी ले सकते हो, लेकिन महल में दाखिल होने से पहले बाग में क्यों तलाशी ले रहे? माफ कीजिएगा। तुमने देखा सबाहद्दीन, कभी मैं इन दरवाजों से पाशा की हैसियत से गुजर जाया करता था, और अब ये ऐसे तलाशी ले रहे हैं जैसे मैं कोई डाकू हूं। ले ली तलाशी? जाइए। टोपी उतार कर भी देख लो, शायद इसमें से कुछ निकल आए। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। चलो हटो हटो, रास्ता दो। बहुत याद करता हूँ इन्हें सबाहद्दीन। महल की खुशबू, ये नरम कालीन, ये ऊपर जाती सीढ़ियाँ, तरस गया हूँ मैं तो इनके लिए। सिपाहियों मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कहीं बिठा दो मुझे। वो दिन कहाँ चले गए सबाहद्दीन? किसने हमारा ये हाल कर डाला? मैं तो मासूम था बहुत, तुम तो जानते हो ना अपने बाबा की मासूमियत को। बाबा, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है? शुक्रिया बेटा, मेरी सांस बहाल हो गई। अल्लाह का शुक्र है, आप बादशाह बनने के करीब हैं। क्या बदतमीजी है, नजर नहीं आता क्या? मुझसे कुछ कहा आपने? हाँ, तुमसे कहा। टक्कर क्यों मारी मुझे? देखो भाई, मैंने तुम्हारे जैसे नमूने बाजार में बहुत देखे हैं, जो बगैर सोचे समझे बोलते हैं और बाद में रोते हैं। Yeah.
वरना जान से मार दूंगा तुम दोनों को। बोलो। इसे पकड़ो, ये पैगाम चला रहा है। बुझाओ इसे। आफरीन है उस्मान, जल गया है लेकिन पढ़ सकते हैं इसे। क्या लिखा है? अब्दुल हमीद के खतरनाक आदमी को मार दो, उस्मान नाम है उसका। मालूम था मुझे। मजाक कर रहा था, तुम्हें कौन जानता है। चलो अब। ये मजाक का वक्त नहीं है मुराद भाई। तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, काबिले इज्जत, मुअज्ज़िज़, मेहनती, हमारे समझदार पाशा, मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत अच्छे मिलिए। कुछ सवाल पूछने आपसे फिर जा सकते हैं। यानी सुल्तान से मुलाकात नसीब नहीं होगी? नहीं। पहला सवाल, उन बेवा खातून से तेल वाली जमीन खरीदी थी आपने? ये मेरे बेटे सबहतीन का काम है। उन खातून से मैंने बात की है, वो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। ये उस्मानिया रियासत में जमीन खरीदना कब से जुर्म हो गया है? हाँ, उस्मानिया रियासत में जमीन खरीदना जुर्म नहीं है, लेकिन वो नक्शा जिसमें तेल वाली जमीन की निशानदेही की गई थी हमने सलीम पाशा को दिया था उनकी वफादारी जांचने के लिए। इस बात का इल्म आपको कैसे हुआ? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं, लेकिन आप मुझे सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सलीम पाशा बहुत ही बड़बोले इंसान हैं, हर एक से ऐसी ही बातें करते फिरते हैं। उन्होंने खुद ये बात फैलाई है कि उनके पास कीमती जमीनों का नक्शा है और वो सरकारी कीमती जमीनों को फरोख्त करना चाहते हैं। मेरे एक साथी ने मुझे ये बात बताई है, बस जो बात सच थी वो मैंने बता दी। ठीक है, ठीक है। अरे जरा रुकिए तहसीन पाशा, रुकिए रुकिए, रुक जाइए रुक जाइए। तहसीन पाशा, माफ़ चाहता हूँ, अगर मैं आपको एक अहम खबर दूं तो क्या आप वो खबर सुल्तान के सामने मीनू अन बयान कर देंगे? बताइए। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सुल्तान समझ लेता हूँ। यानी मसलन मैं ऐसे जाहिर करूंगा जैसे मैं आपके सामने नहीं बल्कि सुल्तान के सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको ये पैगाम जरा बराबर भी तब्दील किए बगैर सुल्तान तक पहुंचाने का कह रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ, आप मेरे सुल्तान हैं। मेरे सुल्तान, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, खूब उम्र दराज फरमाए, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी रातें किसी तारी कोठरी में और दिन सहरा में गुजर रहे हो। क्या इतनी सजा भुगत लेना काफी नहीं मेरे सुल्तान? मैं गुर्बत में जी रहा हूँ, तबाहो बर्बाद हो गया हूँ सुल्तान। क्या इतना काफी नहीं मेरे सुल्तान? मैंने हमेशा कौम की भलाई के लिए काम किया मेरे सुल्तान, मैंने लोगों के हक में। इनमें से एक लफ्ज भी हम नहीं पहुंचाएंगे सुल्तान तक आपका। कोई अहम इत्तला है तो बताइए मुझे, मजीद वक्त नहीं है मेरे पास। रुकिए, सुनिए तहसीन पाशा, सुनिए, बात यह है कि फतेह आफंदी को आपने जर्मन इदारे में मुंतजिम मुंतखब किया है, जबकि वो फतेह आफंदी निहायत जालसाज इंसान है तहसीन पाशा। मुझे आपकी मालूमात के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वो फतेह आफंदी एक सूदखोर है, वो निहायत धोखेबाज और झूठा है। मैं बस मुतनब्बे कर रहा हूँ, फतेह आफंदी को महल के दाखिली दरवाजे के करीब से भी गुजरने मत दीजिएगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। बहुत देर हो गई है तहसीन पाशा। मेरा सर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। ऐसा करो नीचे ले चलो और कुछ पीने के लिए दे दो। हमारे साथ चलिए। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। आ,
शुक्रिया शुक्रिया, मैं समझ गया, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उफ, मेरा सर घूम रहा है, दिन में तारे नजर आ रहे हैं, वाह 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 वाह, या अल्लाह मेरा सर घूम रहा है, माशाल्लाह काफी कुछ है यहाँ। बेटा मैं जरा कुछ देर यहाँ बैठकर अपनी सांस बहाल कर लेता हूँ, थक गया हूँ। चिड़िया उड़ती दिख रही है, उफ तारे नजर आ रहे हैं। बेटा एक काम करो, मुझे आयरन बना कर दे दो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। जब अचानक चक्कर आते हैं तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, जरा अच्छी से बनाना। बहुत दिन हो गया आयरन पिए हुए। इतना काफी है? नहीं, इतनी सी क्यों, और डालो और डालो, आखिर मैं तुम्हारे सुल्तान का मेहमान हूँ, और डालो और शाबाश, अब मिलाओ इसे, मिलाओ मिलाओ इसे। तबीयत बहुत खराब है, बस बस। उस्ताद कहाँ हैं? मस्जिद गए हैं। मस्जिद गए हैं, अल्लाह कबूल करे, आमीन। मैं भी नमाज पढ़ने ही जा रहा था लेकिन चक्कर आ गया अचानक मुझे, तो मैं जा नहीं पाया। बस ठीक है, लाओ दो दो मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बिस्मिल्लाह। तुमने आयरन बहुत अच्छी बनाई है, आफरीन। लेकिन ये काफी नहीं है बेटा, अगर कुछ खाने को भी साथ हो तो तबीयत ज्यादा जल्दी बेहतर हो जाएगी, कुछ खाने के लिए ले आओ मेरे लिए। ये क्या लाए हो, इतना बड़ा नेमत गदा है महल का, ये यहाँ बस यही मिला है तुम्हें? वल्लाही बिल्लाही अगर सुल्तान को खबर हो गई तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, समझ रहे हो तुम? जरा अतराफ में तो देखो, इतना कुछ मौजूद है खाने के लिए, और तुम ये क्या लेकर आए हो मेरे लिए, ये सूखी हुई रोटी, और कुछ नहीं मिला तुम्हें? हटो हटो यहाँ से, हटो, मैं खुद ले लेता हूँ, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। ये पनीर ले लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। क्या यही सबसे अच्छा मसालेदार गोश्त है? ये सबसे अच्छा है। अल्लाह, या अल्लाह मेरी नमाज कबूल करना। ये क्या हो रहा है आखिर यहाँ? फादिल उस्ताद, पहचाना नहीं, महमूद पाशा हूँ मैं। महमूद पाशा? हाँ। वो मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, अचानक तबीयत खराब हो गई, चक्कर आने लग गए मुझे, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। ये प्यारा बच्चा, अल्लाह इसको खुश रखे, इसने मुझे आयरन बना के दी। लगता है कि आपकी तबीयत ज्यादा खाने की वजह से खराब हुई है महमूद पाशा। अल्लाह फादिल उस्ताद, घोड़े को अगर मरना ही है तो कम से कम जो तो खाकर मरे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, हाँ तबीयत काफी बेहतर हो गई है, लगता है अब मैं चल सकता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। बेलूल, महमूद अफंदी इस तरह खत्म होने वाला आदमी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ मेरे सुल्तान? शैतान पाशा, शैतान इंसान पर छह अतराफ से हमला करता है, इसीलिए आपको भी छह अतराफ से मुकाबला करना पड़ता है। क्या कहा महमूद अफंदी ने? सलीम पाशा नक्शे के मुतालिक हर किसी को बता रहे थे, ये कहा उन्होंने मेरे सुल्तान। बात करने के लिए सही वक्त की तलाश में हूं मैं, भरोसा रखें शहजादी। अगर मेरी दोस्ती कबूल कर लेंगे तो खुशी होगी मुझे। तुम सलीम पाशा को कत्ल करोगे? हमारे पास एक बेहतरीन मौका है। सुल्तान से बात करूंगा। आप ऐसा हरगिज मत करना, यह हतमी फैसला है। रकम हमारे लिए भी मसला नहीं, इसलिए हम फरोख्त नहीं करेंगे।
जर्मन इदारे के मालिक ग्रैफिन साहब ने मुझे अपने इदारे का मुंतजिम तैनात करके आपके पास भेजा है।